प्यार से हम सब रह रहे हैं आज की तारीख में, मुसलमान और कहीं भी इतने खुश नहीं है जितने कि हिंदुस्तान में खुश है। पर ओवैसी जी मेरा कहना है कि आपका अस्तित्व तो ही खत्म हो जाएगा अगर आप इस इशू को जिंदा ना रखें। आपका काम ही हिंदू मुसलमानों को के बीच में कुछ न कुछ चलता रहे और आपकी कुर्सी बनी रहे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं ये कह रही हूं, पर मुझे कहना पड़ा है। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए मैडम। क्यों शर्मिंदा होते आप मेरी तरफ से? अल्लाह आपको भी खुश रखे। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि यकीनन अगर हम यहां खुश हैं तो किसी के रहमो करम पर खुश नहीं है। हम खुश हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो हमको उम्मीद दिलाता है, जो हमको हक दिलाता है। तो मैं आपके रहमो करम पर या स्वामी साहब के रहमो करम पर खुश नहीं हूं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी वजह से आप खुश हैं। नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं मानता इस बात को। अब सुनिए, सुनिए बिल्कुल। मैं तो इस सरकार से खुश नहीं हूं, आप खुश हो सकते हैं। मैं मोदी साहब से खुश नहीं हूं, मैं वो प्रधानमंत्री जरूर है, आप खुश हो सकते हैं। मगर आज सुनिए मैडम, आज इस देश का नौजवान को धोखा दिया गया है, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली हैं। आज इस देश के लोगों को धोखा दिया गया, मैं खुश नहीं हूं, आप खुश हो सकते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, आप खुश हो सकते हैं। स्मॉल सेक्टर इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, आप खुश हो सकते हैं। आपको खुशी मुबारक, मुझे मेरे गम की फिक्र है, मेरी मुसीबत की फिक्र। एक सेकंड सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कश्मीरी ब्राह्मण को जब निकाला गया, आप उसको व्यवस्थित वहां ले जाने के लिए आपका कुछ प्रयास हो रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ सर, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूं। जिस दिन मुलाना खासा बन गया, मैं आपको बिठाकर सब पंडितों को लेकर जाऊंगा। सरकार आपकी इनसे पूछिए, 4 साल से एक कश्मीरी पंडित को लेकर नहीं गए, आपने इनको वोट दिया। 4 साल से सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे चाचा, जिंदा रखने के लिए चाचा, आपको बताऊं कि आपका चाचा, आप चाचा, आप इनका गुस्सा मुझसे क्यों निकाल रहे हैं? आप हिम्मत से बोलिए कि मोदी ने कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए। आप डर के बोल रहे हैं। ओवैसी साहब, एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं कि आप बार बार संविधान को उठाते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं कि मैं इसका पालन करता हूं, और जब महिलाओं के हक की बात होती है, जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, तो आप इकाई आप लोग सोचते उसको विरोध करते हो और क्या क्या दलील देते हो आप लोग? क्या आपको संविधान उठाने का हक है? जो आप 50% देश की महिलाओं के हक की जब बात होती है, तो आप लोग क्या क्या दलील देते हैं कोर्ट के अंदर इस बारे में? बिल्कुल और मैंने आपके सारे टीवी डिबेट्स देखे ट्रिपल तलाक के दिनों में, और जहां आपका दोहरा चरित्र था, आप मुस्लिम महिलाओं को, मेरी बहनों को, हम हिंदुओं को जो 80% है, उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल कितने साल पहले एडॉप्ट कर लिया, लेकिन आप लोग अपनी महिलाओं को हक नहीं दे सकते। आपकी बात में कुछ सच्चाई नहीं है, आप हकीकत से बैर हैं, आप पढ़ते नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अब आप सुनना पड़ेगा। अच्छा, सुनना पड़ेगा, सुनिए सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, जवाब सुनिए मेरी बहन। अरे एक मिनट, सुनिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट ठहरिए, वो जवाब दे लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 15 का ये लॉ वायलेट करता है, ये लॉ सुनिए, अब सुन तो लीजिए ना। दूसरी चीज, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी एक शहर में आप एक मुस्लिम महिलाओं का कॉल करिए, मैं भी अकेले आता हूं, देखते हैं कितने आपकी बात पर निकलते हैं। चलिए चलिए चलिए, ये सेशन हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप सबकी तरफ से एक सवाल मैं ओवैसी साहब से पूछ लेता हूं आज। आप अपनी पार्टी से हिंदू कैंडिडेट को कब टिकट देंगे? पहली बार बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए। सुधीर चौधरी साहब जी, आप नहीं जानते कि औरंगाबाद, हैदराबाद छोड़िए, औरंगाबाद में मेरे 27 कॉरपोरेटर में से 7 दलित कॉरपोरेटर हैं। आप ये नहीं जानते कि हैदराबाद में 45 कॉरपोरेटर में से मैंने एक जनरल सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को हराया। आप ये भूल जाइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप पकौड़ा बेचना एम्प्लॉयमेंट है? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सेशन हम समाप्त कर रहे हैं। जी एक मिनट सर, थैंक यू सो मच आप यहां आए।
डॉक्टर स्वामी, हमारी तरफ से जी की तरफ से आपके लिए ये भेंट जी, और ये अभी अभी बनाया गया है वैसी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये डॉक्टर स्वामी की तरफ से आपके लिए, डॉक्टर स्वामी दिल में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है आप सबको और हमारे दर्शकों को बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धन हुआ होगा इस डिबेट के बाद। थैंक यू सो मच सर।